नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने जो पिछली वीडियो शेयर किया था आपके साथ कि किसी भी दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे आपको क्लियर किया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपका सारा डाउट वहां पे क्लियर हो गए होंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आए कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहली आकृति जो दी गई है उसमें इस तरीके से दिया गया है और पूछा गया कि इसमें कुल कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इस वाले बेस की अगर हम बात करते हैं तो इस पर दो नंबर आप डाल सकते हो, 1 + 2। तो अब आपको नंबर से यहाँ पर डाल दिया तो इसको प्लस करेंगे तो 1 + 2 है, 3 त्रिभुज आपके बन जाएंगे। लेकिन ये जो बेस है ये अलग है, तो यहाँ पर फिर से आपको नंबर डालना है और इनको भी प्लस करना है, तो 1 + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। तो अगर टोटल की अगर बात करते हैं तो 3 इस पर है और 3 इस बेस पर है, तो टोटल इस त्रिभुज में 3 + 3 यानी कि 6 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इस वाली आकृति की बात करते हैं जिसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो बेस है इस पर आप 1 2 3 नंबर आपने डाला, तो 1 + 2 + 3, क्योंकि ये ट्रिक हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि जब बेस एक होता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो 1 + 2 + 3 आपका हो जाएगा 6। अब इस वाले बेस पर देखिए, यहाँ भी आपको अलग से नंबर डालना है, तो 1 2 3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, ये भी आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए, टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी है, 6 इस बेस पर बने हैं, 6 इस बेस पर, तो टोटल 12 हो जाएंगे। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, इसमें कितनी आकृति है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आकृतियों की संख्या जब आप निकालेंगे तो पहले बात करते हैं इस वाले बेस पर, तो इस वाले बेस पर नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4। तो जो नीचे बेस आपको दिया गया है उस पर 4 नंबर आपके डले हैं। तो त्रिभुजों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, आप इनको प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 = 3, 3 = 6 और 4 = 10। तो इस बेस पर टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। लेकिन इस आकृति में 10 नहीं है, इसमें अभी और भी त्रिभुज बनेंगे। अब इस वाले बेस पर देखिए कितने त्रिभुज आप बना सकते हैं, तो इसका नंबर फिर से डाल दीजिए, 1 2। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, 1 + 2 यानी कि 3 त्रिभुज आपके इस वाले बेस पर बन जाएंगे। अब इस वाले बेस पर देखिए, यहाँ फिर से आपका नंबर डल जाएगा, 1 2। तो इस पर देखिए कितना हो जाएगा, 1 + 2, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 3। अब अगर टोटल त्रिभुज की बात करें तो 10 यहाँ पर बने, 3 यहाँ पर 13 और 3 यहाँ पर 16। तो टोटल इसमें 16 त्रिभुज बनेंगे। इस वाली आकृति की अगर बात करते हैं तो 16 त्रिभुज इसमें बनेंगे। अब आगे वाली आकृति को देखते हैं, इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या बनती है। यहाँ पर बेस देखिए, ये आपका नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4 5, आपने इसको नंबर कर दिया। अब नंबर करने के बाद क्या होगा आपका, इनको प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 1 + 2 = 3 और 3 = 6, 4 = 10, 5 = 15। ये तो इस वाले बेस की बात हुई। अब इस बेस पर देखते हैं कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं, क्योंकि ये बेस अलग है। तो यहाँ पर नंबर डालिए, 1 2 3। अब 3 पर कितने हो जाएंगे आपको, इनको प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 + 3, तो ये आपके हो जाएंगे 6। अब ये बेस अलग है इसमें, तो इस बेस पर कितने त्रिभुज होंगे, 1 2, तो इनको भी प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3। अब इस वाले बेस को देखिए, 1 2, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 1 + 2 यानी कि 3, तो ये भी 3 आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब बात आती है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इन सबको प्लस कर दीजिए, 15 + 6 = 21, 21 + 3 = 24 और 3 = 27। तो टोटल इसमें 27 त्रिभुज हो जाएंगे। अब अगली आकृति देखते हैं, इस वाली आकृति की अगर बात करें तो पहले ये बेस देखिए आप, इसमें आप 1 2 3, जब एक बेस पर है तो वहां पर आपको नंबर डालना होगा, तो 1 2 3 डाल दिया आपने, तो 1 + 2 + 3, अब इनको प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। अब ये वाला बेस देखिए, इस पर एक नंबर डल सकता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। इस वाले बेस पर देखें तो 1 और 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, अब इनको प्लस कर दीजिए, तो 6 और 1 7 और 3 10, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। तो पहले इस वाले बेस को देखिए, 1 2 3 4 5, 5 तक नंबर इसमें आपने डाले हैं, तो इनको प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 = 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15,
तो ये जो बेस है इस पर आपके जो ट्रायंगल बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, वो 15 बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेस ही अलग है, तो इसका नंबर करेंगे तो सिर्फ एक है, तो इसमें एक और प्लस हो जाएगा। अब इस वाले त्रिभुज की बात करें, यहाँ पर ये बेस अलग है, तो यहाँ पर नंबर डाल दीजिए 1 2, और जब 2 होंगे तो क्या होगा, उसमें 1 + 2 = 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 15 त्रिभुज यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। अभी ये बेस अलग है आपका, तो इस बेस को अलग करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो इस पे कितने हो जाएंगे, 1 + 2 = 3। अब टोटल त्रिभुजों की संख्या का देखें तो 15 और 1 = 16, 16 और 3 = 19 और 3 = 22। तो इस वाले त्रिभुज के अंदर, आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, इस वाले ट्रायंगल का बताना है कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ट्रायंगल में कितने त्रिभुज हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।